माय चैनल रियलिटी 360 डिग्री। आई एम योर होस्ट जॉली यादव। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन में एक मूर्ति के नजदीक एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड इसको पूरा टूर करने वाले हैं, उसका नाम है आरजी लग्जरी होम्स। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन, एक मूर्ति के बिल्कुल नजदीक है। आप देखिए, मेरे राइट हैंड साइड पर रहेगा एक मूर्ति जो कि यहाँ से अराउंड 50 मीटर के डिस्टेंस पर है। एंड ये रहेगा हमारा प्रोजेक्ट आरजी लग्जरी होम्स। प्रोजेक्ट पर जाए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आप देखिए, प्रोजेक्ट हमारा ये है आरजी लग्जरी होम्स एंड रोड के बिल्कुल उस तरफ आप देखिए फ्यूजन यूफेरिया बन रहा है, एक कमर्शियल है। फ्यूजन यूफेरिया के बिल्कुल ही पीछे एक और मॉल आपका रहेगा टाउन सेंट्रल। प्लस रोड के हम उस तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए साया साउथ टेक्स, तो बिल्कुल ही आपको सामने सामने ही यहाँ पर तीन मेजर मॉल्स मिल जाते हैं, तीन मेजर कमर्शियल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ की कनेक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। तो नोएडा यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि 10 मिनट आपको लगेंगे नोएडा पहुँचने में। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन रहेगा आपका सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन SNG, यहाँ से अराउंड 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। NH24 अराउंड आपका 8 से 9 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा अराउंड यहाँ से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा। गौर चौक मुश्किल से यहाँ से आपका 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है। एंड उसके अलावा हम देखिए तो ये पूरा जो एरिया है सेक्टर 16B, ये काफी ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ज्यादातर यहाँ पे जो सोसाइटीज है वो रेडी टू मूव इन कैटेगरी की है एंड मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो भी सारे ऑपरेशनल मिलेंगे। सारी सोसाइटीज के खुद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, वो सब की सब यहाँ पर आपको ऑपरेशनल मिल जाती है। मॉल्स की हम बात करें तो गौर सिटी सेंटर आपका ऑपरेशनल मॉल है जो कि यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है, और उसी लेन में आपको 5 से 6 मॉल और भी मिल जाते हैं। स्कूल की भी हम बात कर लें तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही पीछे मुश्किल से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको यहाँ पर 5 से 6 स्कूल्स भी मिल जाते हैं। BLS स्कूल यहाँ पर नजदीक में है, विजडम ट्री स्कूल आपका नजदीक में है, उसके अलावा SKS वर्ल्ड स्कूल है, रियान इंटरनेशनल स्कूल है, इन्फिनिटी स्कूल है। तो स्कूल्स तो बहुत सारे यहाँ पर आपको नजदीक में मिल जाते हैं। सो ऑल इन ऑल आज लग्जरी होम्स की जो सबसे बड़ी USP है वो है इसकी लोकेशन। प्राइम लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है एंड काफी ज्यादा रीजनेबल बजट में है। जी हाँ, उसका जो प्राइस है, जिसका लेटेस्ट प्राइस है वो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगी, बट ट्रस्ट मी इसका प्राइस बाकी यहाँ की जितनी भी सोसाइटीज हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल एंड बहुत ही ज्यादा कम है। तो चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर चलती हूँ एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को हम विजिट करते हैं। गाइस, हम आरजी लग्जरी होम्स सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं। ये सोसाइटी आपके 18.5 एकड़ के लैंड पैच में बनी हुई है। फ्री साइड ओपन सोसाइटी है। फ्रंट में इसका एक रोड रहेगा जो कि 60 मीटर वाइड रहेगा। प्लस साइड में एंड बैक साइड में यहाँ पर 24 मीटर वाइड रोड रहेगा। सोसाइटी के अंदर 3 आपके एंट्री एग्जिट गेट्स रहेंगे। पोडियम बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पर अगर मैं टावर्स की बात करूँ तो इन टोटल यहाँ पर 13 टावर्स रहेंगे। प्रोजेक्ट को Phase 1 and Phase 2 में डिवाइड किया गया है। Phase 1 में आपके 9 टावर्स रहेंगे एंड Phase 2 में आपके रिमेनिंग 4 टावर रहेंगे। Phase 1 के बारे में मैं पहले बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे टावर्स हैं, ये सब आपके Phase 1 के टावर्स रहेंगे एंड ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड रेडी फॉर पोजेशन। साथ ही साथ पोजेशन की मैंने बात की है तो 4 टावर में यहाँ पर OC भी रिसीव हो चुकी है, टावर A, B, C and M। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर 25 फैमिलीज मूव इन भी कर चुकी हैं एंड धीरे धीरे बाकी टावर्स में भी OC आ जाएगी एंड यहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ Phase 2 के बारे में तो Phase 2 में आपके सिर्फ 4 टावर है एंड उसका पोजेशन मिलेगा 2025 में। Phase 1 में यूनिट्स रहेंगी आपकी 2BHK, 2+ स्टडी, 3BHK एंड 3+ सर्वेंट की। प्लस जो हमारा Phase 2 है उसमें सिर्फ एक ही यूनिट रहेगी, वो रहेगी 3BHK की यूनिट एंड वो रहेगा आपका 1175 स्क्वायर फीट का साइज। Phase 1 में सारे जो यूनिट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो अभी बेसिकली जो यूनिट्स यहाँ पर बची हुई हैं वो हमारी Phase 2 में बची हुई हैं जो कि 1175 स्क्वायर फीट का साइज है। प्लस उसके अलावा इस सोसाइटी में आपकी सारी अमेनिटीज रहेंगी। यहाँ पर आपका खुद का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है। तो ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर आपकी 97 सोसाइटी शॉप्स रहेंगी जिसमें कि आपके डेली नीड्स का सभी सामान मिल जाएगा एंड 97 आप नो एक नंबर भी सोच सकते हैं, काफी सारी यहाँ पर सोसाइटी शॉप्स रहेंगी। प्लस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके सिर्फ 2400 फ्लैट्स ही हैं
2400 फ्लैट्स रहेंगे 18.5 एकड़ की सोसाइटी में। दैट मीन्स काफी ज्यादा लो डेंस सोसाइटी भी है। उसके अलावा आप यहाँ पर सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं काफी ज्यादा, अभी से इनफैक्ट काफी ज्यादा इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर ग्रीन एरियाज मेंटेन कर दिए गए हैं, काफी अच्छी विड्थ में यहाँ पर रोड्स भी है। सो ओवरऑल सोसाइटी अभी काफी ज्यादा वेल केप्ट है। एंड इसके साथ साथ हम थोड़ा और आगे जाते हैं एंड इसके अमेनिटीज को डिस्कस करते हैं। गाइज, ये प्रोजेक्ट आपका पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपके 7.5 एकड़ में सेंट्रल ग्रीन एरिया रहेगा, कंप्लीटली ग्रीन एरिया आपको 7.5 एकड़ में मिल जाता है, जिसमें कि आपके पार्क्स रहेंगे, जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे, किड्स प्ले एरियाज रहेंगे एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी डेडिकेटेड स्पेसेस रहेंगे। उसके अलावा आरजी लग्जरी होम्स में खुद का एक अंदर ही एक किड्स प्ले स्कूल भी है, तो ये आप स्कूल देख सकते हैं। अगले 3-4 महीने में ये भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो रखा है, रेडी हो रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्लब हाउस भी रहेगा। क्लब हाउस फिलहाल अभी बन रहा है, पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, बट क्योंकि रेसिडेंट्स भी रहने लग गए हैं, तो अगले 3-4 महीने में इसका भी काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा और ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। क्लब हाउस भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इसके अंदर की मैं अमेनिटीज को भी डिस्कस करूं तो सारी आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की यहाँ पर अमेनिटीज मिल जाती हैं। बैंकेट हॉल आपका यहाँ पर रहेगा, रेस्टोरेंट्स आपके यहाँ पर रहेंगे, इंडोर गेम्स आपके सभी तरीके के यहाँ पर रहेंगे, साथ ही साथ योगा रूम रहेगा आपका, फिटनेस सेंटर्स रहेंगे, जिमनेजियम रहेगा यहाँ पर। सो ऑल इन ऑल क्लब हाउस के अंदर भी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सो अमेनिटीज यहाँ पर आपकी सभी तरीके की रहेंगी। एंड यहाँ पर देखिए, हम क्लब हाउस के बाहर भी आ चुके हैं, तो ये पूरा एरिया रहेगा आपका क्लब हाउस का। आप बीच में वो एरिया भी देख सकते हैं, वहां पर रहेगा आपका स्विमिंग पूल एंड काम भी आप देख सकते हैं कि काफी हद तक यहाँ पर काम हो चुका है, बस थोड़ा सा ही काम बचा है, तो वो भी अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा एंड ये क्लब हाउस भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। गाइस, फेज टू के हम कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं ये के टावर है एंड मेरे साइड में रहेगा एल टावर। के टावर में आपकी बेसमेंट में कास्टिंग चल रही है, साथ ही साथ एल टावर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक का काम हो चुका है एंड काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। माई वन फ्रेमवर्क से ये आपका बन रहा है फेज टू। फेज वन जो है वो आपका एस ब्रिक कंस्ट्रक्शन के साथ था, बट ये फेज टू आपका माई वन के साथ रहेगा। दैट मीन्स काफी जल्दी बन के भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ इसका जो लाइफ स्पैन है, बिल्डिंग का जो लाइफ स्पैन है वो भी काफी ज्यादा लंबा रहेगा। जो माई वन फ्रेमवर्क से बिल्डिंग्स बनती है उनमें दीमक की दिक्कत नहीं रहती है, प्लस उनकी लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। गाइस, मैं अभी एक टावर के बाहर हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक सैम्पल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आरजी लग्जरी होम्स के जितने भी टावर्स हैं, सभी के सभी आपके इंडिपेंडेंट टावर्स रहेंगे, दैट मीन्स वो इंटरकनेक्टेड नहीं रहेंगे। इनफैक्ट टावर टू टावर डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा अराउंड आपका 30 मीटर का एंड सभी टावर्स में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका वेटिंग एरिया रहेगा प्लस रिसेप्शन एरिया रहेगा, तो यहाँ पर आपके गेस्ट आपके लिए वेट कर सकते हैं, प्लस प्रॉपर यहाँ पर आपकी 24/7 सिक्योरिटी प्रेजेंट रहेगी। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपका इस तरीके का सेटअप रहेगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से आपकी अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेती हूँ। गाइस, दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। एक फ्लोर पर आपके इन टोटल 8 अपार्टमेंट रहेंगे, 4 लिफ्ट के साथ एंड 2 स्टेयर्स के साथ। 2 अपार्टमेंट पीछे रहेंगे, 2 इस तरफ रहेंगे, 2 इस तरफ रहेंगे एंड 2 रहेंगे मेरे सामने। प्लस अगर मैं लॉबी एरिया की विड्थ की बात करूं तो यहां पर आपको 8 फीट वाइड लॉबी एरिया मिल जाती है। इनफैक्ट आप देखिए, 2 अपार्टमेंट आपके यहां पर है, 2 यहां पर है, तो इनमें जो आपस में भी जो डिस्टेंस है वो अराउंड आपका 30 फीट का डिस्टेंस रहेगा। दैट मीन्स काफी ज्यादा आपको ओपन एरिया यहाँ पर भी मिल जाता है। इनफैक्ट संजस्टेड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ की ये जो लॉबी एरिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी जो सैंपल अपार्टमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये फेज वन का एक 3 BHK अपार्टमेंट है, जिसका साइज है 1565 स्क्वायर फीट एंड यहाँ पर है इसकी एंट्रेंस। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप इस अपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉरिन एरिया। मैं अंदर जाऊँ उससे पहले एक और चीज आपको बता देती हूँ, फेज वन में हमारे पास काफी सारे साइजेस थे बट ये सारे साइजेस आपके सोल्ड आउट हो रखे हैं। तो फेज टू में जो हमारी इन्वेंट्री है वो 3 BHK की है, 1175 स्क्वायर फीट, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो सैंपल अपार्टमेंट है ऑल्दो 1565 स्क्वायर फीट का रहेगा, बट इसका जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम रहेगा 1175 स्क्वायर फीट का, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ साइज का आ जाएगा, वो थोड़ा सा छोटा साइज है, लेआउट सेम रहेगा, साइज आपको थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
तो फॉयल एरिया के बिल्कुल आगे रहेगा ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, तो ये पूरा आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस हो जाएगा। प्लस एक और चीज है, फेज टू में हम आपको सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दे रहे हैं एंड इसके साथ साथ आपको लिविंग एरिया में एक बालकनी भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको गेट के साथ ही बालकनी मिल रही है बट फेज टू में आपका स्लाइडिंग डोर्स के साथ रहेगा एंड इस तरह रहेगी आपकी किचन। तो किचन आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी सारे कैबिनेट्स के साथ। इनफैक्ट यहाँ पर जो एक डिफरेंस आ जाएगा फेज वन एंड फेज टू में तो वो ये रहेगा कि यहाँ पर भी अगर आपको डोर के साथ मिल रही है फेज वन में बट फेज टू में आपकी ओपन किचन रहेगी एंड यहाँ पर आपका रहेगा यूटिलिटी एरिया। तो ये पूरा यूटिलिटी एरिया रहेगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं तो ये जो 3 BHK है इसमें आपको इन टोटल 5 बालकनीज मिल रही है जो कि आपके फेज टू में रहेगी। थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपके रूम शुरू हो जाते हैं। दिस इज योर रूम नंबर 1 जिसमें कि आपकी वार्डरोब रहेगी, दिस इज इंक्लूडेड। साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा आपका बालकनी एरिया, 3rd बालकनी है ये आपकी एंड इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा हमारा रूम नंबर 2 जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। एंड हियर इज योर मास्टर बेडरूम, इसमें भी आपको इस वॉल पर एक वार्डरोब मिल सकती है, वुडन वार्डरोब। साथ ही साथ यहाँ पर एल शेप आपकी बालकनी है प्रॉपर, यहाँ पर काफी ज्यादा वेंटिलेटेड स्पेस आपको मिल जाता है एंड काफी बड़ी आपको यहाँ पर विंडो भी मिल जाती है तो रोशनी आपकी प्रॉपर आती रहेगी। इनफैक्ट इसमें आपको बहुत ही अच्छे साइज में एक अटैच वॉशरूम भी मिल रही है, वॉशरूम जनरली काफी ज्यादा बड़ी है प्लस सारी सैनिटरी फिटिंग्स के साथ आपको दी जाएगी। एंड इसी के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा हमारा 3rd एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। तो ये पूरा रहेगा आपका बेडरूम नंबर 3 सेम। आपको यहाँ पर भी एक वार्डरोब मिल जाती है प्लस देयर इज अ बालकनी अटैच्ड विद दिस बेडरूम एंड इसके बाहर रहेगी आपकी कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज योर कॉमन वॉशरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। सो गाइस दैट वाज द इंट्रो ऑफ दिस सैंपल अपार्टमेंट जिसका साइज था 1565 square feet। गाइस प्रोजेक्ट के फेज 2 का स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 76.90 lakhs है एंड इन केस अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन के थ्रू खरीदते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी एक स्कीम यहाँ पर मिल रही है जिसके तहत अगले 2 साल तक यानी कि 24 months तक आपको EMI सिर्फ 9,999 ही देनी होगी। यूजली अगर आप लोन पर प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पर तो अराउंड 14,000 से 15,000 की आपकी EMI बनती है बट इस स्कीम के तहत आपको सिर्फ 9,999 ही देना है अगले 2 सालों तक। इस स्कीम के बारे में थोड़ा और जानने के लिए, इन डिटेल जानने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट आज ही लग्जरी होम्स। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। प्लस अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर दूं आपके लिए ये प्रोजेक्ट। काफी ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, लो डेंस प्रोजेक्ट है, 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, प्लस यहाँ का जो नेबरहुड है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड नेबरहुड है। आसपास में आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, स्कूल्स, मॉल्स, शॉपिंग एरियाज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सारी चीजें यहाँ पर आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाती हैं। प्लस इन फ्यूचर यहाँ पर आपको मेट्रो कनेक्टिविटी भी वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती है 50 मीटर के डिस्टेंस पर। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। प्लस इन सब के अलावा इस यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे मेजर रीजन अगर कोई है तो ये है कि यहाँ का जो BSP है कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोजेक्ट वो काफी ज्यादा कम है। अगर मैं यहाँ इस एरिया के एवरेज BSP की बात करती हूँ वो अराउंड रहेगा आपका 7,000 से 7,500 के बीच में, बट वही आज लग्जरी होम्स का जो BSP है वो अराउंड रहेगा आपका 6,800 only। दैट मीन्स यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रीजनेबल रेट्स में एक 3 BHK प्रॉपर्टी मिल जाती है वो भी प्राइम लोकेशन पर। गाइज अगर आप यहाँ की प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं या फिर बुक करना चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस एंड मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।